हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त रमन गौतम। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं हेलब्लेड सैनुआ सैक्रिफाइस। जैसे कि अभी तक के आपने स्टोरी में देखा है गाइस कि सैनुआ एक मिस्ट्री आइलैंड पे आती है गॉडेस हेला से मिलने के लिए, अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। पर उससे मिलने से पहले उसे सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं गॉड्स के, तभी वो आगे बढ़ सकती है। तो हमने गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ इल्यूजन और छोटे मोटे मॉन्स्टर्स और डीमंस को मार के हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जैसे ही हम फाइनली फेस टू फेस होते हैं गॉडेस हेला के साथ, हम उस पर जैसे ही स्ट्राइक करते हैं हमारी जॉन यानी कि हमारी तलवार टूट जाती है। और उसके बाद हम काफ़ी वीक हो जाते हैं, काफ़ी थके हुए रहते हैं, हमारे पास तलवार नहीं तो हम लड़ नहीं सकते। तो हम एक जगह पे पहुँचते हैं आइलैंड पे, जहाँ पे हमें एक तलवार मिलती है जो कि वो बहुत एक पावरफुल जॉन्ड है जो कि एक गॉड की है। तो हमें वो तलवार लेने के लिए लेकिन फिर कुछ टेस्ट पार करने हैं, तभी हमें वो तलवार मिलेगी गाइस। तो आज हमें किसी भी तरह इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क क्लियर करके तलवार लेने की कोशिश करनी है और अपने आज पे आगे बढ़ने। चलिए गाइस, तो गेम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। चलिए चलो गाइस, तो हम अपने गेम के अंदर आ गए। जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं गेम प्ले में, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द गेम को एंड करना है गाइस। ओके गाइस, चलो हम पहुंच गए फाइनली। आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ गॉड ऑफ द नॉर्थमैन कॉल्ड बाल्डर। बाल्डर द सेकंड सन ऑफ ओडिन। मैं आपको बताता हूं, ही वाज ब्यूटीफुल, गुड एंड वाइज। ही वाज फेयर ऑफ फीचर, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Okay. Only good things were told of him. Yet he guys was the totally first galata. Of the gods to die. Okay guys, so finally हम आ चुके कहीं और। अबे जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये सब गलत है। जैसे कि वो बात कर रहा है गॉड फॉल्डर की, तो गाइस मुझे नाम याद आ गया कि गॉड ऑफ वॉर में हमारे करेक्टर क्रेटोस के पीछे पड़ा रहता है गॉड ऑफ वॉर में, वो फॉल्डर ही रहता है। और गाइस उसकी एक बहुत अच्छी बात रहती है कि उसे ना कोई मार नहीं सकता, वो मरता नहीं है गाइस। मैंने काफ़ी ट्राई किया था गॉड ऑफ वॉर में, फाइनली एंड में बड़ी मुश्किल से मैं उसे डिफीट कर पाया था, मार पाया था। पर इस गेम के हिसाब से वो बहुत अच्छा था। पर सॉरी तो वॉइस फिर चालू हो गई, पर वो कभी इतना अच्छा नहीं था जैसे कि मैंने खेला। ये क्या है गाइस? चलो तो फिलहाल हम अपने गेम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा केस है, चलो चेक तो करते हैं गाइस। ये बैकग्राउंड वॉइस तो कुछ करने ही नहीं देगी, क्या हो रहा है गाइस इसमें? ओके ओके गाइस, तो जो हमारा ब्रिज टूटा हुआ था वो जुड़ चुका है यहाँ से, और उधर भी कुछ दिख रहा है गाइस। पर पहले हम इधर चलते हैं गाइस। यहाँ क्या है? ये फर्स्ट थिंग है फर्स्ट, ये जो पाथ हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है पहले हम उसी को फॉलो करना चाहिए गाइस। ओके, ये वॉइस तो गाइस बहुत परेशान करते हैं, क्या कर सकते हैं, पर कभी कभी इनके पास सुननी भी चाहिए। कभी कभी तो गाइस इनका सुनना भी हमें बहुत फायदा होता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इनकी कई बार वो बहुत सही चीज़ें बता देती हैं। और शिट, ये गाइस ये डोर लॉक है, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि डोर में जब तक वो एक लकड़ी का वुडन वो ना दिखे हम डोर को नहीं खोल सकते। ओके, डिलियन इज इनसाइड बोल रही है वो, यहाँ पे फोकस करने का दिखा रहा है गाइस। ओके गाइस, तो हमको ढूंढना है लेटर एफ, सॉरी तो हमें अब लेटर एफ ढूंढना है। एफ जैसे ही हमें मिलेगा तो हमारा वो डोर खुलेगा। ये डोर तो गाइस लॉक्ड ही है, इधर से चलते हैं हम वो एरिया के बैक साइड से, क्योंकि वो जब हम फेस के अंदर से देखेंगे वहाँ से हमें तभी कुछ मिलेगा। तो वॉइस यही बोल रहे हैं कि डिलियन यहाँ है, डिलियन यहाँ है, डिलियन यहाँ है। तो हमें भी पता है डिलियन यहाँ है, हम उसे तो ढूंढने आए। इतने पूरे गेम प्ले में, पूरी स्टोरी में कर क्या रही है, यही तो कर रही है। चलो गाइस, तो हमें फास्टली जल्दी से जल्दी आगे पहुँचना है अब इसे यहाँ से। ओके ओके गाइस, तो फाइनली वो टूट चुका है, इधर का ब्रिज भी टूट चुका है, तो हम इधर से चलते हैं कि हमें पास में पड़ेगा शॉर्टकट यहाँ जाने के लिए गाइस, क्योंकि हमें जल्द से जल्द गेम प्ले इस गेम को एंड करना है गाइस मुझे, क्योंकि इस गेम को एंड करने के बाद मुझे कोई दूसरा गेम खेलना है। और हाँ, GTA 5 हमेशा उसकी सीरीज मेरी कंटिन्यूशन में रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि GTA 6 नहीं आता। GTA 6 के आने के बाद बंद हो जाएगी। ओके गाइस, डिलियन दिख गया है अंदर, ये एक ब्लॉक्ड है तो हमें यहीं से खोलना होगा डिलियन को ढूंढने के लिए। ओके, डिलियन फिर गायब हो गया गाइस। हाँ, तो जैसे कि गाइस मैं बता रहा था कि GTA 6 आते तक GTA 5 की सीरीज को एकदम कंटिन्यूशन में रहेगी। ओके, नॉर्थमैन हमें मिल गया फिर से, बताइए। डार्कनेस एंड लाइट, नैरो डिवाइडिंग लाइंस ऑफ आवर ओन मेकिंग,
Dillian told her to see further. Okay. To peek through the cracks and see the worlds of Dillian color stretching away from the guys, blue. F. And Senua explored okay, new guys, paths into the unknown. पहले हम इसे खोल लेते हैं क्योंकि मदर मेक्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फायर वाटर आयरन स्टोन अर्थ वुड बीस्ट्स बर्ड्स सर्पेंट्स पॉइजन सिकनेस स्वेयर ऑन ओथ नॉट टू हार्म हर सन्स ओके तो हमारे डोर खुल गया है बाद में काम आएगा नाइदर वेपन्स नॉर वुड विल एंटर हिम बाल्डर्स मदर बोस्ट्स ओके लोकी फादर ऑफ हेला Mistress of Death. Loki, father of Hela. Okay, guys. तो हमने अपना word F मिल चुका है finally. Clear कर दिया हमने. Okay, तो अब हमें guys इधर चलना है क्या guys? नहीं guys, हमारा door का भी बंद है. Okay. हमें आगे बढ़ना है गाइस यहाँ पे हमें अभी पहले बाहर जाके ओके हमें डोर खोलना है एफ हमें मिल चुका है तो हमें पहले डोर ओपन करना पड़ेगा गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि GTA 5 की सीरीज कंटिन्यू रहेगी पर ये गेम एंड करने के बाद अगर आपको कोई सजेशंस हो कोई न्यू गेम्स हो जो आप चाहें मैं खेलना चाहूँ और आप उसको गेम प्ले दिखाऊँ आपको तो गाइस प्लीज़ कमेंट्स में जाके बताइए मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ रिप्लाई करता हूँ और मैं उन्हें ओबे भी करता हूँ तो आप जो गेम बताएंगे मैं उसे खेलूंगा और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है गाइस फीस्ट एंड रिजॉइस एंड अम्यूज देमसेल्व्स बाय थ्रोइंग स्पीयर्स एंड स्टोन्स एट बाल्डर स्ट्राइकिंग एट हिम विद सॉर्ड एंड एक्स बट ही कम्स टू नो हार्म Whatever they do, guys, अभी हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, okay. "Is it really true that all things Loki, guys, वो हमेशा ऐसी है. I did not ask the mistletoe. Baldur's okay. mother confesses. I thought it was too young. Okay. Oh dear. तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि बाल्डर की जो मदर थी उसके वजह से उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता था उसे कुछ वरदान वगैरह मिला हुआ था कि उसे कितने ही मारे वो मरेगा नहीं गॉड ऑफ वॉर 4 में भी मैंने क्रेटोस ऐसे क्रेटोस काफी ट्राई करते रहा था पर वो मर ही नहीं रहा था गाइस वो कैसे मरा हुआ जब आप गॉड ऑफ वॉर 4 में देखेंगे आपको पता चलेगा मैं इस गेम में नहीं बताऊंगा पर इस गेम के हिसाब से जब गॉड्स को पता नहीं था उसे कैसे डिफीट करना है तो लोकी एक औरत का रूप लेके उसकी माँ के पास गया बॉल्डर की और उसने उससे रास निकल लेगा इस लोकी हमेशा यही करता है चलो गाइस तो फाइनली हमारा डोर फिर से पुराना हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस आपने देखे लोकी कितना दिमागदार है वो किस हद तक दिमाग लगाता है वो बॉल्डर को मारे कैसे वो पता करने के लिए वो एक औरत बनकर उसकी माँ के पास चले गया तो वहां से उसने पता कर लिया कि उसको कैसे मारे कितना दिमाग तो भाई सिर्फ लोकी लगा सकता है इसी तो गाइस को बोलते हैं लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ काफी अच्छे कैरेक्टर है गाइस लोकी मुझे तो बहुत पसंद है हो सकता है गाइस ये गेम तो बिल्कुल कनेक्टेड ही है लोकी एंड थॉर से हो सकता है हमें लोकी भी देखने मिले या इसमें थॉर भी दिखे रग्नारोक से तो काफी कनेक्टेड है गाइस ये 101% ओके गाइस तो ये स्टेयर्स हमारी टूट ओके गाइस ये वॉइसेस के हिसाब से डिलेन ऊपर है हमें ऊपर जाना है ओके गाइस तो हम इस चीज में तो एक्सपर्ट हो चुके हैं ये वे जोड़ने के लिए पाथ हमें ऐसे ही कुछ करके जोड़ना पड़ता है गाइस हाँ ओके गाइस ओके फाइनली हमारी स्टेयर्स बन गई है मुझे तो लग रहा था मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया गाइस स्टेयर्स बनेगी कि नहीं बनेगी पर फाइनली बन गई तो हम अपने टेस्ट पे आगे बढ़ते हैं हमें जल्द से जल्द काफी सारे टेस्ट क्लियर करने हैं हमें वो जॉन लेने के लिए क्योंकि उसके बगैर ओके गाइस तो फाइनली हमें विलियन दिख गया है हम उसके पास चलते हैं ओ शिट गाइस वो फिर गायब हो गया यानी गाइस वो इस डोर के पीछे ही है चलिए हमें अपना नए पजल्स मिल गए अब क्या क्या ढूंढना है एरो अप एम और जेड उल्टा है गाइस अपोजिट साइड वाला चलो गाइस ढूंढते हैं तो हम पहले इनकी बार सुन लेते हैं All things no one else could. Hello. Patterns, shapes. अरे बताओ नॉर्थमैन. An intuition that made. Okay, guys. यानी जो voices बोलते रहती हैं तब नॉर्थमैन से बात पूछो तो वो रुकता है पहले इनके voices अंदर होने के लिए बहुत परेशान करती guys. तो ये door तो बना हुआ है पर हम ये देखते चलते हैं face में.
फेस से देखो तभी सब गाइस। ओके गाइस, अब एयरड्रॉप हमारा यहीं कहीं है, यहीं से मिलेगा गाइस, इसी फ्लोर, यही रहा गाइस, इसी फ्लोर पे क्या यही है, ये बन गया हमारा। ओके फाइनली एयरड्रॉप हो गया, अब बचा है गाइस एम और वो थोड़ा अपोजिट साइड वाला जेड, थोड़ा उल्टा है वो गाइस। चलो गाइस पहले ये, ओके जेड यहीं कहीं है गाइस हमारा, हमें यहीं मिल जाएगा गाइस जेड को। ओके तो ये खोली, ये रहा गाइस हमारा, नहीं गाइस ये इधर जेड है हमारा, यानी इसके पीछे साइड से। ओके गाइस तो हमें पीछे पहुंचना है किसी भी तरह, पूरा रास्ता उधर से पर डोर बंद है, हम ये खोल लेते हैं गाइस, क्योंकि ऐसे डोर जब भी दिखते हैं तो 101% हमारा कुछ ना कुछ फायदा ही होता है आगे चल के। ओके गाइस तो ये ब्रिज है एक, यहीं से लगता है हमें ओके गाइस हमें यही ब्रिज से जाना है वापस, यही पे डिलेन हमें दिखा था। ओके चलो तो हमें रास्ता तो पता, हमें कहाँ निकलना है, बस अब एग्जीक्यूट करना है गाइस जल्दी जल्दी। तो गाइस तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, Northman kept suni lete guys. Northman tell how the gods mourned Baldur. Okay. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. Okay. She comes riding the wind and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. ऐसे मरा क्या वो गाइस, पर Baldur's wife sees his body carried onto the ship. Locked her heart. Okay guys, तो हमें अब फाइनली फेस के थ्रू देखना होगा। She is put next to her husband and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. गाइस यानी इसके बोलने के हिसाब से जब बॉल्डर को हेल में भेजा गया तो गॉड्स भी उसे वहां एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, गॉडेस हेला भी, कि वो मर चुका और उसे वापस लो। गाइस उसे तो वरदान था ना, इसी वजह से गाइस यानी ओ शिट। हां गाइस मुझे यही डर था। ओके गाइस एम यही मिल गया हमें। ओके तो एम यही है गाइस हमारा, फोकस करेंगे तो 100% यही होना चाहिए। चल हो गया गाइस, मतलब एम तो बगैर ढूंढे ही मिल गया, अब ढूंढ तो वो उल्टा जेड रहे थे और हमें एम पहले मिल गया। चलो गाइस तो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें वो जेड भी चाहिए। जेड गाइस इधर से जेड गाइस तो टूट गया, इसी के पीछे तो था। ओके 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 हमें पहले वापस वो फेस से देख के पूरा मिशन चेंज करना पड़ेगा, तो वो फिर से नया जैसे होगा। अच्छा ये ब्रिज इसलिए तो दिया है गाइस, हम फिर से उस फेस से देखेंगे कि सब कुछ जुड़ जाएगा, हमको वहां जाने का रास्ता रहेगा, क्योंकि जैसे ही जुड़ता है गाइस तो उधर वो डोर बंद हो जाता है, तो हम यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए हमें मिला था। ओके गाइस चलो 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 फास्ट, हमें ये भी मिल गया है। चलो हो गया डन। चलो गाइस हमारा डोर खुल गया फाइनली, हमें लगता है आज हम डिलियन से मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है यार, डिलियन से शायद तक मिल ही लेगी, उसी के पीछे तो यहाँ आई है गाइस, और उसे गॉडेस हेला से ही मिलना है, क्योंकि शायद तक इससे ऐसा लगता है कि गॉडेस हेला ही नहीं ही डिलियन को पकड़ के या मार के किडनैप करके जो भी है उसे गाइस यहाँ लाया है। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अब हम ये डोर खोल सकते हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द तलवार चाहिए गाइस, बगैर तलवार के हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा गाइस, तलवार तो हमें चाहिए। ओके गाइस फाइनली हमें डिलियन दिख रहा है, मुझे जल्दी जाते हैं गाइस, ये वही ब्रिज था जो अपन ने ऊपर से देखे थे वहां से, पर छुड़े में हम जा नहीं सकते। ओके गाइस वॉइसेस बोल रही जल्दी जाओ जल्दी जाइए, ओह शिट जल्दी जाने के चक्कर में गाइस। ओके गाइस तो वो आवाज दे रही है उसको, डिलियन डिलियन बुला रहा है गाइस, वो इशारा कर रहा है कि आ जाओ। चलो गाइस तो हम चलते हैं जल्दी डिलियन के पास, बस डर ये है कि यहाँ से गिर ना जाए, ये मैडम का बैलेंसिंग बहुत खराब है, तो पहले भी गिर चुकी है कई बार नीचे, अभी गिरती तो गाइस फिर से रिसेट हो जाता है, पीछे से आना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके गाइस हमारे एक इंडियन मूवी में था,
जिसमें शायद तक अजय देवगन चढ़ जाता है और वो चिल्लाता रहता है, वो उसको उसका फ्रेंड बोलता है राम 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 चल, वो मर चिल्लाता है। वही वाली सिचुएशन अभी मेरे साथ, नीचे मैं गिर जाऊँ, मैं वो भी ऐसी दो बिल्डिंग्स के बीच में फंस जाता है। चलो फाइनली गाइस हम तो पहुंच गए, हम नहीं गिरे, हाँ पहुंच गए गाइस, चलो दौड़ो। ओके गाइस, तो डिलियन एकदम फुल ऑन टाइटैनिक पोज में खड़ा है अब, मेरे ख्याल से ये भी जाके पोज देगी उसके पीछे से खड़े के टाइटैनिक वाला पोज। अबे तो आए क्या हो गया गाइस, टाइटैनिक का पोज बनाना ही पोस्टपोन्ड हो गया गाइस, गया वो तो कूद गया पहले नीचे के लिए। सिनेमा मिल ली गाइस शायद तक मैंने सुनी लिया ना, डिलियन को सब बताना था। अंडरस्टैंड योर डार्कनेस, ओके, ही कैन नॉट सी थ्रू योर आईज, नो वन कैन, माय ओन फादर वाज बोर्न ब्लाइंड, डजंट हैव द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट द लाइट लुक्स लाइक, द वर्ड डार्क टू हिम मींस द लिटलेस्ट वर्ड लाइट। So someone is afraid of the dark. Okay. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world? You, only you can see, just to be rid of your nightmares. ये गाइस यहाँ इसी के पास के लेटी हुए गाइस। और इसलिए यहाँ कैसे पहुँची? Okay. There's more. Gift that makes you so special in my eyes. गाइस ये इसको बता रहा है, सपोर्ट करता है गाइस। मैंने एक चीज देखा कि डिलियन जब भी इसके विजन्स में आता है वो हमेशा इसको सपोर्ट करता है। एक ही है जो इसे अगर कोई मतलब बोलना चाहिए सामने मिले, लेकिन इसका सपोर्ट करता है। ओके गाइस फाइनली हमारा एक टेस्ट क्लियर हुआ है, यस, क्योंकि वो प्रॉपर स्टोन में कन्वर्ट हो गया वापस, यानी हमारा एक टेस्ट क्लियर। चलो गाइस तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं अपने गेम में और देखते हैं कि आगे क्या होगा। ओके गाइस तो सेकंड डोर मुझे मेरे ख्याल से वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी गाइस पास में है पहले हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। पास वाले से पहले जाओ, जल्दी जल्दी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियोज़ में लेंदी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग जब मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो डालता हूँ, मैंने देखा आप लोग उतने व्यूज़ उस पर गाइस नहीं देते हैं, इसलिए मैं थोड़े वीडियोज़ I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Okay, guys. Where are we? ओके गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट टास्क के लिए। गाइस ये कहां एकदम रैंडम जंगल में पहुंच गए, अब यहां से कहां जाएंगे? गाइस यहां तो मुझे डिलियन भी नहीं दिख रहा अभी। चलो कोई बात नहीं गाइस आगे बढ़ते हैं, अब हमें राउंड लेने के लिए तो सब कुछ। ओके गाइस तो फाइनली डिलियन हमें मिल चुका है, वो रहा सामने, हमें जल्दी उसके पास चलना है। चलो गाइस, ओके गाइस चलो चलते हैं, पर मुझे बहुत बेकार लग रहा है गाइस यहाँ पे, शिट गाइस दलदल टाइप है, डर लग रहा है फंसी ना जाए यहाँ पे। लाइक द ओल्ड वॉरियर ट्राइल्स, ओके डिलियन विल हेल्प मी दिस स्टेंच ऑफ रॉट। ओ शिट गाइस फिर से सब चेंज होने लगा है, डूबने लगे गाइस यहीं बस। इसके हिसाब से ये एक और टेस्ट है इसके लिए और डिलियन इसकी हेल्प करेगा। वैसे तो गाइस अभी तक डिलियन ने इसकी सारी हेल्प यही है, ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसने हेल्प ना किया हो कभी। यही है मार्क एक्स दिख रहा है गाइस यहाँ पे, पुशअप गाइस डेड बॉडी। ओके गाइस तो डोर खुल गया। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड ऑफ इल्यूजन ना मरे ही नहीं है, क्योंकि अभी भी तो हम इल्यूजंस के बीच से ही घूम रहे हैं अभी तक के भी। ओके गाइस तो हमारा फाइनली हम डिलियन को यही दिखा था, ब्रिज गाइस टूटा हुआ है। ओके तो हम इस साइड चलते हैं, ब्रिज को जोड़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं गाइस ब्रिज को जोड़ते हैं। हमें ना अच्छे से जोन चाहिए, क्योंकि बगर उसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। ओके गाइस तो यहाँ से कुछ चेंज हो रहा है नहीं, इस साइड पहले देख लेते हैं ये ऐसा है। ओके तो हमारा रास्ता खुला फाइनली गाइस ये। ओके चलो 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 ये खुला है, अब गाइस
से फिर कुछ नया होगा। पहले नॉर्थमैन की सुन लेते गाइस, कभी कभी वो बहुत हेल्प कर देता है। नॉर्थमैन स्पीक ऑफ अ डेथ मून, अ लाइट शेप्ड लाइक अ हाफ मून दैट अपीयर्स इनसाइड अ हाउस एंड गोस अराउंड द वर्ल्ड। यहां से आई वांट सॉ द डेथ मून अपीयर। ओके ये खुल रहा है गाइस। And first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhand, and then the farm. अब क्या जोड़ रहा है? ब्रिज जोड़ा क्या गाइस हमारा? नहीं गाइस ब्रिज तो जोड़ा ही नहीं। अच्छे गाइस ब्रिज नहीं जोड़ा पर ये रास्ता तो जुड़ गया। ये देखिए ऊपर जाने के लिए। ओके 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 इसलिए ये डोर खोला था गाइस। ये तुक्के में हो गया जल्दी से इतने, वरना मुझे तो ये दिखाई नहीं था कि यहाँ पे हमें लैडर पकड़ के ऊपर भी चढ़ना और ये जुड़ रहा है। तुक्के में हो गया। चलो गाइस मुझसे ना ये जल्दी नहीं हो पा रहा आजकल। ये ना ब्रिज ये जुड़ने, जब भी स्टेयर्स जुड़ने में बहुत टाइम लगा। काश ये इस बार जल्दी हो जाए गाइस। हो गया हो गया हो गया। वो गाइस एलिसिडेटेड। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। ओके हमें पता है हमने सक्सीड कर चुके हैं, बस अब हम जल्दी पहुंच जाए गाइस। जल्द से जल्द हम पहुंच जाए, रिटर्न जाना है। ओ जल्दी 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 हम करो यहाँ से। अगर ये खुला हुआ ऐसे नहीं खोलना है, मुझे लगा फिर कुछ खोलना पड़ेगा फिर हम फंस जाएंगे। चलो यानी अब कोई पजल नहीं है, अब फाइनली हम डेलियन के पास जा सकते हैं और हमारा एक और डोर क्लियर। हाँ इधर से जाना गाइस, सॉरी मैं भूल गया था। हमारा फाइनली एक और डोर क्लियर हो जाएगा गाइस। मेरे ख्याल से दो या तीन डोर्स और बचेंगे। अगर हमने वो भी कर दिए गाइस तो हमारा एकदम फास्ट में साउंड मिल जाएगी मैं तलवार, मजा आ जाएगा। चलो गाइस जल्दी अंदर से देखते हैं अब क्या होगा। ओ शिट कम टू मी। ओके डेलियन है, मुझे लगा कोई आ गया। It happened one night that an undead creature came to his house to drag him outside into darkness and kill him. He resisted with every ounce of his strength. He clung to the door frame, but it gave way, and they spilled out of the house, and the monster fell back, and the moon shone down on its ghastly face. Grettir, terrified, cuts off its head, but is cursed forever. From that moment on, wherever he was, he would see those hideous eyes staring back at him. Sometimes, we allow our own fear to haunt us to our grave. गाइस ये जो इसके लास्ट वर्ड थे ना, समटाइम्स आवर ओन फियर, ये मुझे कुछ लोचा लग रहा है गाइस। अब चलो खैर हमें पजल फिर से आ गई, मैं सोच रहा था क्लियर हो गया। तो गाइस पसंद मुझे पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। काफी तेज साउंड है गाइस, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। ओके गाइस तो चलो चलते हैं, मैं अपना टास्क करवा गया। शिट गाइस उधर से कोई आ रहा है? नहीं, हमें इधर गाना है। डेलियन डेलियन को ढूंढना है गाइस हमें। ओके गाइस ये बोल रहे डिलियन ट्राइंग टू सेव यू, हमें पता है डिलियन हमें सेव ही करना चाहता है, पर ये रखा कि डिलियन गाइस डिलियन है ना कुछ तो होगा। हाँ गाइस ये मिल गया। ओके गाइस नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है? हमें एक और जगह ढूंढने गाइस। ओ शिट उधर नहीं जा सकते गाइस, उधर फायर है। डिलियन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? नेक्स्ट उधर होना चाहिए गाइस, मुझे यहाँ वाइट वाइट दिख रहा है, डिलियन यहीं होना चाहिए शायद तक। नहीं गाइस इधर तो वे है। डिलियन 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 कहाँ गए? शिट गाइस ये फायर आ रही है, हम जल जाएंगे। भागो भागो भागो। शिट गाइस ये क्या होने लगा अपना? शिट गाइस इधर से नहीं जा सकते गाइस, इधर वो रटर डरा है, उसको क्रॉस करके ही जाना पड़ता है गाइस। बसते हो डिलियन कहाँ है भाई? मैं गाइस इधर से तुम आ चुके हैं, इधर तो नहीं होगा वो गाइस। वो चिल्लाए पड़ी व्हाट शुड आई डू, उससे ज्यादा तो मैं टेंशन में आ गया गाइस। अब डिलियन कहाँ है गाइस? फिर ये इधर दिख रहा है गाइस मुझे शायद तक। ओ शिट फायर भी आ रही है, जल्दी जाना है जल्दी जाना है। इधर ये गाइस शायद तक, मे बी डिलियन। हाँ गाइस बोरा। और गाइस वहाँ तक पहुँच चुका, कहाँ से अभी जल्दी रास्ता दिखा दे रहे भाई। ये रहा। नीचे से नहीं गाइस हमें उधर से घूम के जाना था, गलत आ गए। फिर गाइस फायर पीछे आ रही, जलना जाए जल्दी भागो। तो इसका मतलब था कि तुम्हारा ओन फेयर ये रहा गाइस, हमारा मिल गया। ओके गाइस तो हमारे पास एक ही बचा है ढूंढने के लिए, थर्ड जो कि हम ढूंढना होगा जल्दी, क्योंकि फायर हमारे पीछे ही नहीं छोड़ रही गाइस, बहुत परेशान करके रखी है। ये रहा गाइस डिलियन, तो हमें मिल गया है। चलो 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 हमें थर्ड भी हमारा मिल चुका है गाइस।
जल्दी हो जा रहे भाई, मिल गया भाई। हमें सिर्फ डोर ढूंढना है, फायर हमारे पीछे ही है, फायर से तो बच नहीं होगा गाइस। ओके गाइस हम इधर से निकलते हैं, फायर हमें अगर उधर से दौड़ा रही है तो हम इधर से निकलते हैं गाइस, क्योंकि हमें फायर से बचते हुए अपना मेन डोर भी ढूंढना है गाइस। मेन डोर अभी जल्दी निकल, फंस मत, फंसेगी खुद भी और मरेंगे हम। ओ शिट गाइस इधर तो है ही नहीं, फायर गोल गोली घूम रही हमारे पीछे। फाइनली हमारा रास्ता कहाँ से है गाइस, इधर से भागते हैं मेरे ख्याल से, इस साइड से चलते, उधर से हमें नहीं मिल रहा है। इधर से कहाँ से गाइस, शिट गाइस आप लोग मुझे, अबे कहाँ जा रही हो, उधर उल्टा इधर जा गाइस, मुझे तो रास्ता ही याद नहीं आ रहा है कि हमारा डोर किधर था। ओके गाइस तो इधर से निकल के देखना पड़ेगा मुझे, वो रहा गाइस डिलियन, मैंने डोर वहीं का ही है लेकिन फायर हमें जाने नहीं देगी स्ट्रेट, तो हम फायर को अपने पीछे दौड़ा के गोल घूम के उधर जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि फायर एकदम हमारे पीछे ही है और हम स्ट्रेट तो हमें वो जाने देगी नहीं। ओके गाइस तो यहीं से जाना है हमें, फायर पीछे ही है, हम जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं। डिलियन यहीं का दिखा था, ये रहा गाइस, फाइनली गाइस डोर क्लियर। अरे बहुत मुश्किल से निकला गाइस, इस बार हालत खराब हो चुकी गाइस, लिटरली डर लग गया था कि वो आग जला देगी, वो आग नहीं छोड़ेगी, पर फिर भी हम बच गए गाइस, किस्मत है हमारी हम बच गए गाइस। तो वो फाइनली अब बैठ सकती है, नॉर्मली बैठ गई। फ्लैशबैक गाइस फिर से, फिर इन्हें डिलियन देखेंगे, नहीं Shano, पर कोई और है। What happened? कौन है गाइस? What happened? उससे पूछ रहा है। They're blaming me for the plague. Okay. They say that I'm cursed. What if they're right? Okay, गाइस तो सब उसे ही ब्लेम कर रहे हैं क्लास के लिए। How do they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Correct, guys. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. Say they make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? Yeah, guys, हम भी डरते हैं बच्चों में, काफी डरते थे। Let them see who you really are, like I have. मैं तो अभी भी डरता हूँ, guys, थोड़ा बहुत। थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा बहुत से। You're not a monster. Okay. Okay, guys, and finally, वो उसको बोल रहा है कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो, लोग भी गलत नहीं है क्योंकि वो डरे हुए हैं इसलिए वो कहानी बना रहे हो, तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं, पर एक्चुअली तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गाइस फाइनली हम बाहर आ गए, थैंक गॉड हमारा सेकंड डोर क्लियर्ड है। तो गाइस तो हमारा सेकंड डोर भी क्लियर हो गया है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद हुआ गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके गाइस इतना शेयर कीजिए। मैं इसी तरह अपने नए नए वीडियोस लाते रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।